आपके भाव हाँ, है मेरी बहू है, जेठ की बहू लगते हैं, और जी 3 महीने में डिलीवरी हो गए, तो इनके सकीना के पास आने को ऑपरेशन करते बोले गए थे, करे ऑपरेशन करने के बाद 10 दिन होने के बाद फिर इनके पास आ गए हमारी बहू, आने के बाद फिर 15,000 की ले लिए कहते हैं फीस, फिर गए, फिर जाने में कैसा हो रहा बोलते हो इरखान हो यहाँ, और तुमको क्या क्या हुआ बोल गए थे, 3,500 काट लेको ग्लूकोस चढ़ा के, फिर घर को भिजा दी हूँ, घर को घर का है मां इनका शादी हर पे रहता है, जी। यहाँ का एड्रेस कौन दिया इनको? इनका कौन दिया, इनके रिश्तेदार रहते कहते हैं आगे कर लिए इन लोग, प्रॉपर शादनगर के हाँ शादनहर का छन उत्तर मतलब शादनहर का छन, वो आया होने के बाद फिर जाके बने वहाँ एक हॉस्पिटल में बताए, बताने के बाद 6,500 लिया वहाँ हॉस्पिटल में, लेने के बाद इनको अंदर हथरी काटी पैखने की हथरी कट करे बोले जी। कट करने के बाद अवेसी गुलाई डायरेक्ट अवेसी में भी इलाज करे इनका 10 दिन, 10 दिन करने के बाद नैसा करी अजमा के जाना ले रही मार को सट रही है नैसा बोलते सुखी, छोटे छोटे बच्चे हैं इनको 4, इनके मर्द भी गरीब आदमी है, लाना खाना है इनको कुछ भी नहीं है, इनके साथ इनके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, उनको भी बाप नहीं है, कितनी इतनी थी उनकी एज थी होंगी 22-25 थी होंगी, कितने बच्चे उनको 4 बच्चे 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, हॉस्पिटल में क्या ऑपरेशन कराने आए थे? हाँ ऑपरेशन बच्चे बंद करने का करी है राउंड ऑपरेशन, उसमें बच्चे बंद करके दूसरी हथेली कट करी समझो, हॉस्पिटल को लेके कौन है आप लोग? वो उनकी मामी कहते हैं, उनकी मामी कहते हैं और उनके खाला को दोनों तीनों लेकर लेकर इनका ऑपरेशन करा दिए, बात करें पहले 25,000 में करती थी, 15,000 ही ले ली कहते ऑपरेशन खुद दे दिए कहते, जब दे के निकल गए मिजाज खराब हो गया, हाँ उसी दिन से हो रही है तबियत खराब, जिस दिन ऑपरेशन कराया हाँ उस दिन से हो रही है कहते, छोटे छोटे बच्चे शादी नर गए। आज आपकी बहू की तबीयत कब खराब हुई? अब 10 दिन के बाद खराब हो ले तो वो रोजाना होते रह रही होंगी, उल्टियाँ हो रही हो, क्या क्या हो रहा है समझे, इन्फेक्शन हो जा रहा तो उन बता लेते तो हुआ उनका अवेसी में हो गया, अवेसी में चाहे नहीं लेके गए वो ना, फिर पैसे भरने तो लेके जाते अवेसी वाले, कितने भरने का है क्या, 40 भरना की कितने भरना है क्या नहीं, 2.5 लाख बनना है, 3 लाख बनना है, 5 लाख बनना है, वो यहाँ पे सकीना दाखाना, सकीना दाखाने लेके गए, लेके जाने के बाद ऊपर क्या है पूरा उसपे बॉन्ड पेपर पे लिखे उनके हाथ से लिखे, उनके हाथ से लिखने के बाद अब वो सिग्नेचर ले लिए हमारे, लिखे 2.5 लाख रुपए दिए ट्रीटमेंट के वास्ते दिए, ट्रीटमेंट के वास्ते दिए थे, आप जाके बता लीजिए बोल के यहाँ पर अवेसी में किस दिन दिए आपको ये पैसे? ये पैसे मेरे को जुम्मा के दिन दिए, तो फिर आप जब कैसी थी आपकी मिसेज की तबीयत? जब भी हालत बिगड़ गई थी डॉक्टर गारंटी नहीं दिए, जब मैं पैसे ले जाने के बाद बोल के आप ये सवाल लेकर है, आप सवाल लेकर है डॉक्टर से क्या बोल रहे? देखो आप हिम्मत से काम लियो, आप हिम्मत से काम लियो, आपके साथ धोखा हुआ क्या हुआ आप अभी तक बोलो, वहाँ पे बोलिए 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 भाई परेशान होगा, ये सकीना हॉस्पिटल से मैं परेशान होगा, ऐसा है मैंने आपको धोखा मिला बोल रहे हैं? किस चीज का धोखा मिला? मेरे हमारे घर वालों का, पेशेंट का, पेशेंट का हुआ क्या था खराब के पेशेंट का? इन्फेक्शन हो गया था पेट में, कहां पर हुआ था इन्फेक्शन? पेट में हुआ था जी, पेट में हुआ था, अवेसी में बोले डॉक्टर साहब आपको ये ऑपरेशन कौन करे बोले तो सकीना मैडम करे बोल के बोले, अब उनके ऊपर जाके रिएक्शन लो आप जाके, ये किसके भी हाथ साथ हो सकता है, आपकी घर वालों को बचना मुश्किल है, डेंजर है बोल के बोले, पूरा इन्फेक्शन पूरा पेट में फूल गया पूरा बोला, आपको क्या बोले कौन सी अंतड़ी काटने का, कौन सी काटे बोले वो बोलो, ऑपरेशन की काटने का मोशन की काट दिए बोल के बोल दिए, मोशन पूरा पेट पूरा, वो मेरे अवेसी वाले बोले हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले थे, तो वही बात को दबाने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए मिले? 2.5 लाख रुपए दिए? देखो भाई ये बेचारे परेशान हो गए, इन्हों परेशान होके जो है हमारे MBT की ऑफिस पे आए कि ऐसे ऐसे हालात हुए साहब, हमारे सामने बोला साहब मेरे को तब बोले नहीं आ रहा, मेरे सबसे मिले इन्हों बहुत परेशान फिलो खुद हैबत में बोरान में मेरे बोले नहीं आ रहा। कॉन्टेस्टेड MLA बहादुरपुरा MBT, ये हमारे अब्दुल अली साहब है, ये अब्दुल अली साहब, इनके बीवी का नाम रेशमा बेगम है जो शादनगर के रहने वाले है, तो इनके बीवी का जो है कुछ पेट में तकलीफ थी, तो ये हॉस्पिटल सकीना हॉस्पिटल नवाब साहब कुंडे को लेके आए शादनगर से, यहाँ हैदराबाद में कोई इनको मशवरा दिए, शादनगर में मशवरा दिए कि हैदराबाद में जो है ये नवाब साहब कुंटा, नवाब साहब कुंटे में सकीना हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनके इनको पेट में दर्द होने की शिकायत पे लेके आए, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट बताया ये इनको मालूम है, मगर वहाँ पे ये हमारे पास आए नो कि जो है इनकी बीवी का इंतकाल हुआ, इंतकाल किस बुनियाद पे हुआ आप ये सुनिए आप तफसील से, ये
सकीना हॉस्पिटल में इनका जो है फैमिली प्लानिंग किया गया। ये इनके हस्बैंड है जिनका नाम है अब्दुल अली, इनका फैमिली प्लानिंग करे सकीना हॉस्पिटल वाले 13,000 रुपये चार्ज करे, 13,000 रुपये चार्ज करके ये गैर कानूनी तौर पे काम किया गया। उसके बाद जो है वो बेचारे जो है शादनगर चले गए, सकीना शादनगर चले गए, कौन रेशमा बेगम चले गए या अली साहब की मिसेस। शादनगर जाने के बाद जो है इनकी अचानक तबीयत खराब हुई, दो चार दिन हुई, इन्होंने फिर से वापस जो है हैदराबाद आए शादनगर से, अब्दुल अली इनकी फैमिली लेके आए रेशमा बेगम को, फिर से सकीना हॉस्पिटल को लेके गए इनको। ले आने के बाद वो सकीना हॉस्पिटल वाले नवाब साहब कुंटे वाले इनसे क्या अंडरस्टैंडिंग में बात करे कि भाई दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करो बोल के इनको बोले अब्दुल अली साहब को। तो दूसरे हॉस्पिटल में इनको एडमिट करने के बाद वहाँ ये इनका स्टेटमेंट है कि जो है ऑपरेशन गलत हुआ, वो कुछ आंतड़ी जो होती है फैमिली प्लानिंग की, ये इनका स्टेटमेंट है कि एक काट दिए सकीना हॉस्पिटल वाले, तो उससे उनकी तबीयत बिगड़ गई, अब इंतकाल हो गया हॉस्पिटल में। आगे के हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ, कौन से हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ आप बोलिए? अवेसी हॉस्पिटल में। आप बता रहे सकीना हॉस्पिटल में, फिर अवेसी में कैसे इंतकाल हो गया? उन्हें एडमिट लिया कि एडमिट करें हम लोग हमारे बाजूबान। देखिए सकीना इनको बोलने नहीं आ रहा, बेचारे परेशान है। देखिए इनके बीवी का इंतकाल हो गया, इन पे क्या गुजर रही अल्लाह जानता, इन्हों जानते। अब हमारी एमबीटी के ऑफिस को आए इतनी रात को कि इनको कोई मददगार हैदराबाद में नहीं मिला बेचारों को। एमबीटी ऑफिस पे आए, हमारे फरहतुल्लाह खान साहब से मुलाकात हुई, तो फरहतुल्लाह खान साहब मुझे फोन किए, ये एक घंटा पहले अभी रात में तकरीबन, मैं भी एक दावत में था, हमारे फरहत खान साहब मेरे को फोन करे कैसा काला पत्थर पीएस का कुछ इशू है आइए बोले। तो ये बेचारे बहुत रो रहे थे, परेशान हाल थे, तो मैं इनको दिलासा दिलाया कि जो है आप पहले पुलिस कंप्लेन करिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि ये सकीना हॉस्पिटल वाले क्या ऑपरेशन करे क्या नहीं करे। उसके बाद इनकी गाँव जाने के बाद इनकी तबियत खराब हुई, तो इन्हों फिर सकीना हॉस्पिटल को आई, इनका स्टेटमेंट है। तो वहाँ इनकी उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई पता नहीं, एक बड़े हॉस्पिटल को लेके गए, वहाँ पे यही तल्ला मिली कि इनके तहत कि वहाँ पे जो है ऑपरेशन गलत हुआ, अभी वो बिचारी का इंतकाल हो गया, रेशमा बेगम का इंतकाल हो गया। सकीना हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ या दूसरा? सकीना हॉस्पिटल में पहले ऑपरेशन हुआ, इससे पहले भी लोग काला पत्थर में लास्ट 3-4 दिन पहले कंप्लेंट किए थे, उसके बाद मीडिया में नहीं डालना स्टेटमेंट बोले, तो क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी आप लोग, मीडिया को रुका दिए थे आप लोग? देखो मीडिया को रुकाने की वजह क्या है, सकीना जब इनके पास पैसे नहीं थे, बोलो तो जब आप परेशान रखो लेके 26 तारीख के दिन की बात है, ये अवेसी अस्पताल में ले जाके फौरन ट्रीटमेंट करा दिए, इनकी घर वाले का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद में एक अंतड़ी कट गई वो, तो वहाँ से क्या करे, जब हम लोग नहीं थे, इन लोग 4-5 जने मिल के सकीना दवाखाने को लेके गए। सकीना दवाखाने वाले क्या करे, कई को केस करते जो भी है, रफा दफा दे के 2.5 लाख रुपये दिए उनको, इसको दिए 2.5 लाख रुपये, इन हमारे भाई को दिए 2.5 लाख रुपये दिए, वो 2.5 लाख रुपये दिए इनको, क्या है इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, इन्हों रहते गांव में शादनगर में, बॉन्ड पेपर पर अंदरूनी कहाँ निकली है कि अंदरूनी निकल ला लिए, इनको 2.5 लाख रुपये वो भी कहाँ दे रहे, अंदरून ले जाके अंदर कहीं कोठी में ले जाके दिए गए थे, ले जाके तुम खामोश चले जाओ, किसी को नको बोलो, ये पेपर पे साइन करके दे दिए। क्या था वो पेपर में? वो इनको इतना पढ़ना नहीं आता, इनको इनको पेपर नहीं मालूम, बाउंड पेपर पे निकल दिए उन्होंने सकीना दाखाने वाले। जब उनका इंतकाल नहीं हुआ था जब उस्मान अवेसी अस्पताल में ट्रीटमेंट होगा, ऑपरेशन होगा, कहाँ भी जाए उसके पास, यहाँ से पेपर लिखा के पैसे दे दिए 2.5 लाख रुपये, हाँ फिर कहाँ भी जाए? नहीं अवेसी अस्पताल को ही गए, अवेसी से क्या लेडीज को शरीक करके ऑपरेशन होने के बाद में अवेसी वाले बोले, वहाँ पर जाने के बाद मालूम हुआ एक अंतड़ी कट गई, इसके बारे में आप जाके सकीना के ऊपर आप कंप्लेन करो बोल के। कौन बोले ये बात? अवेसी अस्पताल वाले। मैं ब्लेम का मतलब उतना आपने नहीं मालूम, मतलब हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं रहता बोल के आप? अब देखो मैं भी नहीं था, इन्हों थे, इनको क्या बात करे, इनको इतना इनको दिखना पढ़ना नहीं आता, इनको इन्हों ले लिए, इन्हों क्या बोले, चल भाई इतना 2.5 लाख में पूरा हो जाता, आपकी घरवाली अच्छी हो जाती है बोल के इन्हों बोले। वही अब उतना जो है स्क्रैप का कारोबार, गलियां फिर के साइकिल पे स्क्रैप का कारोबार करते, इनको पढ़ने नहीं आता लिखने नहीं आता, इनको जो है इस मुगालते में लाके इनसे कुछ पेपर लिखा लिया बोल गई है। अब्दुल अली का स्टेटमेंट है, आपका स्टेटमेंट है ना, पेपर लिखा लिया सो? हाँ, आपको पढ़ने लिखने भी नहीं आता। आप लिखा लिए उसके बाद चले गए, डॉक्टर साहब भी लिख लिए। देखिए आप ये कितना इलीगल एक्टिविटीज है, ये जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में ये जो काम हो रहा, ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में छोटे छोटे काम करके जो है
इन लोगों को खुद ऑपरेशन करने का तरीका नहीं मालूम है, कौन सी आंत काटना है, दूसरी आंत काट दी है। आज जो है बिचारी रेशमा बेगम जो है इंतकाल फरमा गई, इसके तीन चार बच्चे है, छोटे छोटे चार बच्चे है। ये बेचारा शादनगर से साइकिल पे जो है स्क्रैप का कारोबार करता। तो हम जो है पुलिस से मुतालबा करेंगे, ये हुकूमत से मुतालबा करेंगे, इससे सख्त से सख्त जो है एक्शन लिया जाए समीना हॉस्पिटल पे। बिचारी जो है जान चले गई, और ये जान का जिम्मेदार कौन है, हुकूमत है या दवाखाने वाले हैं? तो दवाखानों के खिलाफ जो ये कार्रवाई करना सख्त जरूरत है इस वक्त। क्योंकि देखिए हॉस्पिटल वाले बेचारे को जो है अब्दुल अली को बुलाए अंदर, बुला के क्या महादा कर लिया, ये बेचारे को पढ़ने लिखने भी नहीं आता, कुछ पेपर पे साइन वगैरह ले लिया, बल्कि इनका स्टेटमेंट है। क्या हुआ बोलो आपके साथ, आप जो है